हेलो, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। एंड ये व्लॉग है रिगार्डिंग UPSI UK एग्ज़ाम हो रहा है, उसके एनालिसिस के बेस पे। तो एग्ज़ाम तो काफ़ी दिनों से हो ही रहे हैं, लगभग 10-12 दिन से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। एग्ज़ाम्स का लेवल आप लोगों को शायद पता हो जो पढ़ने वाले हों। मैं वैसे रेगुलर ऐसा तो नहीं हूँ, अपडेट करता हूँ कि आज एग्ज़ाम में क्या आया, कल क्या आया। बस दिल किया कि आज कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूँ जो लोग कल एग्ज़ाम देने वाले हैं December 2 का। और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये शायद फैक्ट है कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आज की शिफ्ट में। तो ये इन क्वेश्चन से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये क्वेश्चन अब कल रिपीट नहीं होने वाले हैं, लास्ट शिफ्ट है। तो आई होप ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जिनकी एक्चुअली कल जो पेपर आने वाला है, वो सोच रहे हैं कि कुछ हेल्प मिल जाए। तो यार हेल्प यहाँ से तो नहीं मिल सकती है, हेल्प आपको मिल सकती है, एक आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी जो है मैथमेटिक्स की। आपको मैथ और रीजनिंग दो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग यही है। सी हिंदी और GS दो चीज़ें तो ऐसी हैं यार, अगर आपको आती हैं दैट्स फाइन, अदरवाइज यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन, और तुक्का जिसको कहते हैं वो लगाना पड़ेगा। और रही बात मैथमेटिक्स की, तो यार इतना लेंथी आ रहा, आपको एक्चुअली पढ़ना तो पड़ेगा क्वेश्चन। कोई आपके पास ऐसी तो सुपर पावर्स है नहीं कि आप क्वेश्चन देख के आपको आंसर पता चल जाएगा या बहुत जल्दी पढ़ लोगे। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ी देर में भी अगर एनालाइज़ हो जा रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है, फॉर एग्जांपल 2 to 3 minutes इट विल टेक, तो आप उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़िए। मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए, जिससे कि कम से कम जो क्वेश्चन हैं वो आप कम से कम सारे अटैम्प्ट कर देंगे। नहीं तो पता चलेगा कि मैथ के क्वेश्चन पर ही अटक गए, तो फिर मैथ के क्वेश्चन ही पे बने रहेंगे, रीजनिंग नहीं कर पाएंगे, या रीजनिंग पे बने रहे तो मैथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सी मैथ के तो एक बार क्वेश्चन आपको हूबहू वही मिल सकते हैं, पर When it comes to the reasoning part, तो reasoning में ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक reasoning questions में आपको अपना mind लगाना पड़ेगा, and ये है आप यही strategy है। तो जो ultimate चीज़ यही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपना time management ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी hamper मत होइएगा जब भी आप exam देने जा रहे हैं, be cool। ये सोच के जाइएगा कि मैंने, ये मत सोच के जाइएगा कि यार एक साल से तैयारी कर रहा हूँ, अगर नहीं हो पाया, बहुत लोगों का नहीं होगा यार। 9,000 लोग का सिलेक्शन होगा, तो 50,000 ने बहुत मेहनत की होगी, तो कुछ लोगों का तो नहीं होगा। मगर ऐसा मत सोच के जाया करिए कि मेहनत की है, बस ये सोच के जाइए कि हाँ पेपर देना है, नॉर्मल होके देखना है कि अपने माइंड को, मतलब एक चेक करना है कि हमारा इस सिचुएशन में दिमाग कैसे काम करता है। सरल सरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ना आते हैं उस समय, पर ये दिमाग नहीं देना है, यही बताना था। बाय।